सो गाइस आरएस प्ले सुपर के एक और फेस कैम वीडियो में आप लोग का स्वागत है। देखो लास्ट का पूरा वीक बहुत बिजी गया मेरे लिए, ठीक है। मैं लिटरली झांसी से पुणे शिफ्ट हुआ हूँ और अब मैं यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो चीज मुझे एंटरटेन करती है वो एनिमे। मैं पहुंचती सबसे पहले सुजुमे ने तोजी मारे देखने का बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन जो चीज अभी मुझे जिंदा रख रही है वो है डीमन स्लेयर। भाई क्या तो गजब एपिसोड निकल के आया, मैं सच बता रहा हूँ मुझे मजा आ गया आज देख के। तो अगर पिछला एपिसोड तुम लोग को पता है कैसा था, उसका फर्स्ट हाफ ऐसे स्लो जा रहा था और अचानक से उन लोग के दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, मां चोद देते हैं सबकी। हाँ, एक ऐसा डीमन लेके आते जिसे मारा ही नहीं जा सकता, लो खाड़ दो जो खाड़ना है। जिसके बाद ये एनिमे इतना जोर से पेस पकड़ा कि जहां इसके रील्स नहीं मुझे दिख रहे थे इंस्टाग्राम पे, इवन मूवी रिलीज होने के बाद भी अचानक से मुझे इस नए डीमन के रील्स दिखने लगे कि अब तो भाई डीमन स्लेयर ने पकड़ लिया सीजन, अब तो यही पेलने वाला है। और सच बता रहा हूँ ये डीमन बहुत ही यूनिक था यार, इसको देख के मैं भी सोच रहे, पहले तो ये आया अजीब सा रेंगता हुआ, मुझे लग नहीं रहा था इसके अंदर ज्यादा कुछ होगा। हाँ मतलब कुछ यूनिक टाइप की एबिलिटी होगी, इसे जल्दी से हराया ना जा सकता, या फिर शायद ये कटवट ना पाए, या फिर इसके अंदर भी दो तीन लोग टाइप के हों, या फिर जो भी पिछले सीजन में हमने देखा वैसे कुछ इमेजिन किया था। बट इसका तो सिचुएशन ही एकदम अलग है, मतलब इस बंदे को तुम काटते जाओ ये नहीं मरने वाला, और हर बार जब इसे काट रहे हो तो एक नया बंदा निकल रहा है। और अपना मिस्ट आशीरा जो कि दिखने में इतना बैडेस लग रहा था उसे बस तुरंत उठा के फेंक दिया। देखो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, ठीक है, मुझे डेली अपना दिमाग फोड़ के ये देखना होता है कि लोगों के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं या नहीं। लेकिन इस पूरे हफ्ते में बस यही सोच रहा था कि आखिर तांजिरो इस आदमी को डिफीट कैसे करेगा जिसे काटा नहीं सकता, मतलब डीमंस को हराने का तरीका ही क्या है, एक आपको भयंकर सी तलवार देंगे आप उनसे उनके गले की मार चोक दो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना था, और पूरे हफ्ते सोचने के बाद आज जाके यानी कि संडे को मेरे को एपिसोड मिला जिसमें ये पता चला कि ठीक है इन्हें ऐसे काटना है ना कि ऐसे। तो बेसिकली पिछले एपिसोड में ही थोड़ा बहुत ये टीज कर दिया गया था कि जब वो डीमन स्प्लिट होता तो अलग अलग टाइप के डीमंस निकलते हैं, मतलब अलग अलग पर्सनालिटी के साथ। तो वहां से मुझे पता चल गया था ये बेसिकली क्लासिक इमोशंस वाला ही एनिमे का कॉन्सेप्ट है कि इमोशन के बेसिस पे एक मल्टीपल पर्सनैलिटी टाइप का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली मल्टीपल डीमंस दिख रहे हैं, जब भी उसे काट रहे हो तो एक नए इमोशन का एक डीमन निकल जा रहा है, जिसमें से अभी तक चार हमें दिख चुके हैं, दो अभी तक शायद नहीं देखने को मिले हैं, आई डोंट थिंक सो। और मैंने इसकी मांगा पढ़ी नहीं, ना मुझे पढ़ना, क्योंकि एनिमे बहुत ही अच्छा है, मांगा पढ़ के मैं खुद को स्पॉइल नहीं करना चाहता, काफी गजब का एनिमेशन है। दो कुछ ही ऐसे एनिमेज है जो कि आपको अपने साथ लपेट के रखते हैं, जो कि एपिसोड वन के साथ हर सीजन के साथ और एक्साइटिंग होते जाते हैं। इसमें तो इवन वन पीस भी नहीं आता, बहुत रेयर ऐसा होता है कि लोग स्टार्ट कर रहे वन पीस और बोर नहीं हो रहे। बट डीमन स्लेयर और अटैक ऑन टाइटन कुछ ऐसे एनिमेज हैं जो कि एपिसोड वन से ही अपने व्यूअर्स को हुक करके रखे हुए हैं। इवन मैं जो कि इतना बड़ा वन पीस फैन हूं, मैं भी इंतजार करता रहता हूं कि कब अगला एपिसोड या फिर कब अगला सीजन आने वाला होगा इसका। और इस बार का एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि हाशिरा के भी औकात के बाहर दिख रहा है ये वाला डीमन। इसके अलावा गेनिया का भी जो पूरा का पूरा सीन था मुझे काफी पसंद आया इस पूरे एपिसोड में, जहां पर उस बंदे पर जब भी हांगेत्सु अटैक कर रहा है वो कोई तो मंत्र पढ़ रहा है जिसकी वजह से खुद को वापस से पावर अप कर पा रहा है, और लिटरली एक अपर मून लेवल के डीमन को भी पीछे से आके अटैक कर पा रहा है। इसी सेम सीन में अगर नेजुको की बात करें तो वो बहुत ही हेल्पलेस स्टेट में थी, लिटरली वो एक डीमन बन चुकी है और उसके गले के बीचों बीच उसने अपना स्टाफ घुसा दिया है। और तुम लोग को तो पता ही है कि इस वाले डीमन के पास थंडर इलेक्ट्रिक की भी पावर है, तो उसने नेजुको के गले के थ्रू ही पूरे के पूरे बॉडी में उसको करंट देना शुरू कर दिया है। नेजुको इतने हेल्पलेस स्टेट में है कि एक पॉइंट पे तो मुझे लग रहा था कहीं ये लड़की मर ना जाए, मतलब ऑब्वियसली वो डीमन है, उसके गले में अगर डैमेज करोगे तो समझ रहे हो क्या हालत होगी उसकी। और तांजिरो वहां पर नहीं है, अभी तक जितने भी सीन्स हमने देखे हैं नेजुको और तांजिरो के मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी वे में नेजुको के आसपास ही होता तांजिरो और उसकी हेल्प कर देता था, बट इस बार तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। जैसा कि हमने पिछले सीजन में देखा था कि एक डीमन अपनी बहन को नहीं बचा पा रहा था, तो इस बार भी वैसा ही हो रहा था कि तांजिरो नेजुको के पास नहीं था, बट लास्ट तक पहुंचते-पहुंचते समाओ तांजिरो वहां तक पहुंच गया था। एंड तांजिरो ने जिस तरह से ना उसके इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक किया, दैट वाज रियली एन अमेजिंग सीन, जहां पे उसने पिछले ही डीमन के बॉडी पार्ट को यूज करके उसके इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक किया था। और ऐसा इसीलिए हो क्योंकि दोनों डीमन्स ऑलमोस्ट सेम बॉडी ही शेयर करते हैं, तो इसीलिए उस इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इफेक्ट तांजिरो के ऊपर नहीं हुआ, एंड इसीलिए वो नेजुको को बचा पाया। और ये चीज जो मुझे डीमन स्लेयर में बहुत पसंद है, जो कॉम्बैट होता है ना कभी कभी वो एकदम अचानक से ऐसा पेस पकड़ता है कि भाई यार उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। पिछला वाला सीन याद करो, आई मीन पिछला सीजन, जहां पर हाशिरा उस डीमन से फाइट कर
कर रहा था। अपर मून 4 कोई मजाक नहीं, और ये चीज इस डीमन ने आते हुए ही प्रूव कर दी थी। मतलब ये डीमन बिना सेंस हुए लिटरली हाशिरा और तांजिरो के रूम में घुस गया, और हाशिरा को पता भी नहीं चला, और बस ऐसे करते ही वो उड़ गया। और ये हाशिरा अपनी बेइज्जती करवाया जा रहा है यार। मतलब लिटरली पहले तो एक डीमन से उड़ के उधर गिर गया, फिर वो एक बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा था, बट समहाउ इस वाले चैप्टर में उसको रियलाइज हुआ कि हाँ भाई थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए यार, हम इंसान को ही प्रोटेक्ट करते हैं। तो पता नहीं कैसे उसके दिमाग में ये बात आ गई, वो भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट हाँ इस बंदे के पास थोड़ा तो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो कि ऐसा लग रहा था इसको देख के कि शायद नहीं होगा, बहुत डल सा कैरेक्टर लग रहा था। बट इस वाले सीजन की एक और इंटरेस्टिंग सी बात है कि भाई इसमें हमें दो दो हाशिरास देखने मिलेंगे एक सेम जगह पे, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक दोनों अपर मून के डीमंस देखने को हमें मिलेंगे, अपर मून 3 और अपर मून 4 भी, एंड वो फीमेल वाली भी हाशिरा इधर दौड़ते हुए आ रही है। बट उसको देख के उतना फीलिंग नहीं आ रहा कि ये कुछ हेल्प कर पाएगी, क्योंकि उसको जो लास्ट लाइन था जब वो एंट्री ले रही थी कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, तो भाई ये वाला थोड़ा सा अजीब सा लाइन था, तो मैं यहाँ पे ट्राई नहीं करना यार, लिटरली उन्हें डिफीट करने की जरूरत है, तू इधर ट्राई करेगी इधर इन लोग की गांड फट जाएगी, तो भाई बच्चे उधर लड़ रहे ऐसे थोड़ी ना होता है। खैर अगर एपिसोड 3 ऐसे से ऐसे चला गया तो एपिसोड 4 लगभग ऐसे जा रहा धीरे धीरे ऊपर। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग सा एपिसोड था, अगर तुम लोगों ने अभी नहीं देखा जाके जल्दी देख लो, बहुत ही गजब का एपिसोड था, मजा आ गया। और अगर देखा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ यार तुम लोगों को कैसा लगा ये वाला एपिसोड, एंड ओवरऑल ये सीजन तुम लोगों को कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।